ऐसे ही हिंदी कॉमेडी वीडियोस के लिए अभी मूवी का मजा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। फॉर मोर सच हिंदी कॉमेडी वीडियोस सब्सक्राइब टू दी मूवी का मजा YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू नॉट मिस एनी वीडियो। थैंक यू। मूवी देखी मैंने गोलमाल। हाँ। आपकी मूवी देखी, इतना बढ़िया काम करा सर अजय देवगन सर ने तो। गुड वन, गुड वन। सर साथ में मैं बोलूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपकी डायलॉग डिलीवरी में को इतनी फाड़ लगती है ना, और सर जो आपकी डायलॉग डिलीवरी थी ना इकबाल में, ओए होए नेक्स्ट लेवल सर। इकबाल में जो आपने डायलॉग मारे हैं वो अभी तक के बेस्ट हैं। थैंक यू। तो अक्षय सर आपने एक डायलॉग सुना है, हर बंदा बोलता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता इसलिए उसने माँ बनाई है, पर मेरी माँ कहती है भगवान हर जगह नहीं हो सकता इसलिए उसने काम वाली बाई बनाई है। मेरी काम वाली बाई का नाम है भागो, पर काम सारे धीरे धीरे करती है। अच्छा, बाई बनने के लिए ना बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन है जो हर बाई को चाहिए होती है, वो ना है कि झाड़ू में कैसे मारना है, चाहे ना है पोछा कैसे मारना है। काम वाली बाई के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है ना, वो है बीमार पति। सब भाई के पति बीमार हैं क्या? और मुझे लगता है बाहर ने एक अलग से ग्रुप बना हुआ है भाइयों का, वहां पे गलती से किसी काम वाली भाई का अगर पति हट्टा कट्टा निकल जाता है ना, उसको तो निकाल देते हैं बिरादरी से। तो मेरे को ना काम वाली भाई को तकलीफ नहीं है, पर मेरे को एक चीज लगती है कि उनको ना एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस बेसिक ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाना चाहिए कि फैन ऑफ होने के बाद ना उसी बटन से ऑन भी हो जाता है। झाड़ू मारते ऑफ करते ही ऑन करना भूल जाती है, उनको लगता है मार्केट में कंसेप्ट ही नहीं आया कि चीजें ऑफ होने के बाद ऑन भी हो जाती हैं। और मेरी जो काम वाली भाई है ना, उसका मेरी माँ उसकी बहुत साइड लेती है, चाहे वो कुछ भी करते रहे मेरी माँ उसकी साइड बहुत साइड लेती है। कल मेरे पास भागती हुई आई, कहती तुझे पता है भागो ना फ्यूचर देख लेती है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते कर, आज ही उसने मुझे बोल दिया कि मैं कल नहीं आएगी। और मेरी माँ ना हर किसी से बहस कर लेती है, उससे किसी से भी बहस करा लो कर लेगी, ब्रह्मा जी से भी एक बारी के लिए कर लेगी, पर काम वाली भाई से बहस नहीं कर सकती। काम वाली भाई का पास है ब्रह्मास्त्र, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है मेरा हिसाब कर दो। अगर काम वाली भाई ने बोल दिया मेरा हिसाब कर दो, मेरी माँ की दुनिया वहीं थम जाती है, लगता है दुनिया खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और भागो को पता है क्या लगता है कि दुनिया का जितना भी कूड़ा है ना वो मेरे पैरों के नीचे है, मैं कहीं भी खड़ूंगा ना वहीं आ जाएगी। भैया पैर ऊपर करो ना, झाड़ू निकाल लें। तो सुबह सुबह गुप्ता जी के घर चली गई है, गुप्ता जी के घर जाके उनको कह रही है साहब उठो ना झाड़ू निकालना है, साहब उठो ना झाड़ू निकालना है। आसपास वाले लोग गुस्सा हो गए, कहते तेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं है, लाश कैसे उठेगी? और साथ में गुप्ता जी की माँ खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला भागो तेरा दिमाग खराब है, उसे झाड़ू मारने की पड़ी है, बेटा उनके नीचे की बर्फ पकड़ रही है, पहले वाइपर मारो। और सर भागो का ना एक आदत है, उसकी बहुत पुरानी आदत है कि घर में कोई भी चीज पुरानी हो जाएगी ना वो पूछेगी नहीं अपने हिसाब से, अगर उसके हिसाब से कोई चीज बेडरूम से उठा के बाहर दी गई तो पुरानी है, वो उठा के ले जाएगी। दो बार तो हमने नानी को उठा के लाए उसके घर से। थैंक यू। माय नेम इज ऋषि वाली। थैंक यू।